मंडला कलेक्टर और एसपी ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लॉकडाउन की आंशिक छूट पर फिर होगी समीक्षा। जिले को ग्रीन जोन होने के चलते आंशिक छूट दी गई थी, लेकिन लोगों के द्वारा इसका बेजा इस्तेमाल ने कलेक्टर और एसपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि एक बार फिर से इसकी समीक्षा हो, क्योंकि सड़कों पर लोग भारी संख्या में बाहर निकल कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कल भी मैंने अपने वीडियो मैसेज के थ्रू जो संदेश दिया था उसमें भी इसी बात का उल्लेख किया था कि लोग अपने जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो कार्य उनकी सहूलियत के लिए बनाया गया है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अभी भी हम लोग घूम घूम के व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। अभी लौट के हम लोग एक बैठक करेंगे और उसमें विचार विमर्श किया जाएगा कि अग्रिम क्या चिंता का विषय। अभी जो अनावश्यक टू व्हीलर से लोग घूम रहे हैं, जो किराना दुकान पे जा रहे हैं या सब्जी दुकान पे जा रहे हैं, उनको नियंत्रित करना हमारा अभी प्राथमिकता रहेगी। मंडला कलेक्टर डॉक्टर जगदीश चैन जटिया और पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय में लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट के साथ ही लगाई गई धारा 144 का जायजा लेने जब सड़कों पर निकले तो उनके द्वारा इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई कि लोग किराना के लिए दी गई आंशिक छूट का दुरुपयोग कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में दुपहिया वाहनों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद वहां पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा ऐसे लोगों के चालान काटने के निर्देश दिए गए। वहीं जिले के मुखिया के द्वारा भी नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसे लोगों पर सख्ती की बात कही गई। वहीं यह इशारा भी दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी दिया गया कि अब लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट पर फिर से समीक्षा की जाएगी और लोगों की भीड़ ना निकले इसके लिए नए नियम बनाकर उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। देखिए, किराना स्टोर, जनरल स्टोर खोलने के लिए राहत दी गई थी। मेडिकल स्टोर, दवाई दुकानें तो पूर्व से खुली हुई है। जिस प्रकार से लोगों ने इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बेजा फ़ायदा मैं कहूँगा, वो नहीं होना चाहिए। जब आपको आवश्यकता की चीज़ें जाकर के ले आइए, फ़ोन करेंगे, घर पहुँच सेवा हो जाएगी, उसके बावजूद आदमी नहीं मान रहा है। तो अंततः कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की जो चीज़ें कर रहे हैं ये कोरोना को आमंत्रण है। कोरोना छूत की बीमारी है, मैं बताना चाहूँगा, ये छुआछूत नहीं, छूत की बीमारी है जो संक्रमित होती है आसपास से मिलने से, जुड़ने से। तो इससे बच के रहना चाहिए। अब आदमी बचना नहीं चाह रहा, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है, कार्रवाई करेंगे। मंडला के पड़ोसी जिले डिंडोरी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चेक पोस्ट तो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही लापरवाही निश्चित ही अधिकारियों के लिए फिर से विचार का कारण बन रही है। देखिए, कल तक हमारे यहाँ 9 बॉर्डर पॉइंट्स थे, जिनको आज बढ़ा के 12 कर दिया गया है। डिंडोरी बॉर्डर, जहाँ कल एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति निकला है, वहाँ पर 4 चेक पोस्ट लगाए गए हैं। तो उद्देश्य यही है कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रहे, अनावश्यक लोगों को आने से रोका जा सके और हर व्यक्ति की चिकित्सकीय जाँच हो सके।